वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, सेल्फ ट्राई करो, देखो ये मतलब कैसे होता है, तुमसे सॉल्व होता है। द पावर रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी, अगर हम लोग पास कोई ब्लैक बॉडी है वो पावर रेडिएट कर रही है, तो पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट्स रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज टू, कुछ हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया जिससे जो है मैक्सिमम एनर्जी जो रेडिएट हो रही थी वो वेवलेंथ ही बदल गया, बदल जाता भाई। ठीक है, तो पावर रेडिएटेड बाई बीकेम एन पी द वैल्यू ऑफ एन, समझना आप इसको क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है। अब लेट अस सपोज कि एक ब्लैक बॉडी है, हम सबको पता है कि एक ब्लैक बॉडी जो है वो अलग अलग रेडिएशन इमिट करती है, ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और ये अलग अलग रेडिएशन इमिट करती है, मिलियंस ऑफ रेडिएशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप विंस लॉ पढ़े होगे कि ई लैम्डा रेडिएटेड एनर्जी और ये लैम्डा नॉट, लैम्डा के बीच अगर ग्राफ बनाया जाता है तो ये इस टाइप का ग्राफ आता है। ये एक स्पेशल वेवलेंथ है, ये एक स्पेशल वेवलेंथ है जिस स्पेशल वेवलेंथ पे एनर्जी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम होती है। ठीक है भाई, इसको मैक्स से डिनोट करते हैं। याद करो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़े होगे कि टेम्परेचर टी इज इक्वल टू विंस कॉन्स्टेंट लैम्डा मैक्स, ये पढ़े होगे एक खास टेम्परेचर टी पे। ठीक है, ये ग्राफ बनाया गया खास टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया गया। ठीक है, अब ये आप अगर आपके पढ़ के आए हो तो उसका पावर रेडिएटेड पी है, हमें टेम्परेचर चेंज हुआ, हमें पहली बात तो टेम्परेचर ही नहीं पता है, तो टेम्परेचर और लैम्डा, जो लैम्डा पहले लैम्डा नाम था टेम्परेचर टी वन पे, अब टेम्परेचर टी टू हो गया, तो ये टी टू पे ये मैंने इतना लैम्डा ले लिया। ठीक है, तो पहले तो टी वन टी टू के बीच रिलेशन लगा लेते हैं बाई यूजिंग विंस लॉ, इस इक्वेशन से विंस लॉ ये कहता है, ठीक है, बाई यूजिंग विंस लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेशल वेवलेंथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टी वन अपॉन टी टू पहले केस में लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन, ठीक है, मैक्सिमम इस केस में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा पहले केस में लैम्डा एम लैम्डा नॉट था, देखो पहले केस में लैम्डा नॉट था और बाद में थ्री लैम्डा बाई टू हो गया, तो यह आ जाएगा लैम्डा और ये थ्री लैम्डा नॉट और ये फोर, तो फोर ने फोर को, इसका मतलब ये हुआ कि फोर बाई थ्री उन टेम्परेचर का रेशियो है जो हमने बदल दिए हैं, जो हमने रेशियो चेंज कर दिए हैं, वो टेम्परेचर टी वन अपॉन टी टू, क्योंकि पावर निकालने में यही हमें काम आएगा यार। ठीक है, क्योंकि मैं पावर का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं आगे फ्यूचर में स्टीफेंस लॉ लगाऊंगा। स्टीफेंस लॉ पढ़े होगे आप कि अगर ये एनर्जी रेडिएट करता है, ये ब्लैक बॉडी है, नॉर्मल बॉडी नहीं है, ठीक है, चलो नॉर्मल ही मान लेते हैं, नॉर्मल, अगर कोई नॉर्मल बॉडी है द पावर रेडिएट ब्लैक बॉडी, हाँ चलो, तो ये एनर्जी जो रेडिएट करती है एनर्जी, उसकी इक्वेशन क्या होती है याद करो, ठीक है, बाय स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ पढ़ के आए हो ना, वोल्टेज स्टीफेंस लॉ, चलो प्यारे बच्चों, तो वोल्टेज स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा, इमिसिटिविटी, ठीक है, सिग्मा इमिसिटिविटी, टी की पावर फोर, एरिया टाइम टी। ठीक है, कोई नॉर्मल बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं मान रहा हूँ मैं अभी, कोई नॉर्मल बॉडी, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लो, कोई नॉर्मल बॉडी है, वो नॉर्मल बॉडी टी टाइम में सरफेस एरिया ए लेके, ठीक है, टेम्परेचर टी पर इतनी एनर्जी रेडिएट कर रही है। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर फोर, ये क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी, क्योंकि ई जो है वो ब्लैक बॉडी के लिए वन होती है। ठीक है ना, ई ब्लैक बॉडी के लिए वन होती है। ठीक है,
अब कहता है कि एनर्जी रेडिएटेड बाई, अब पावर देखो, तो ये जो यहां से तुम पावर निकाल सकते हो, पहले पावर कितना था भाई, पहले पावर पी था, अब एन पी हो गया, पहले पावर पी था अब एन पी हो गया, तो यहां से हमें पावर मिल जाएगा। तो उस पावर को मैं लिख लेता हूँ, इस टाइम को इधर लेके आऊँ, ई बाई टी, दैट इज ई बाई टी ब्लैक बॉडी के लिए, ई सिग्मा की पावर फोर, दैट इज द ई बाई टी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज द पावर, पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर फोर। इसका मतलब ये हुआ कि पी वन अपन पी टू इज इक्वल टू टी वन अपन टी टू की पावर फोर। इसका मतलब ये हुआ टी वन अपन टी टू हम पहले ही निकाल लिए थे, ठीक है, टी वन अपन टी टू फोर बाई थ्री की पावर फोर। अगर फोर बाई थ्री पी वन अपन पी टू दैट इज फोर बाई थ्री का पावर फोर इज इक्वल टू 256 अपन 81, 256 अपन 81 की रेशियो, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, आई होप कि इसमें मैं काफ़ी मेहनत किया और ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें समझने में, दैट्स वाई आई वर्क इस पर, ठीक है, थोड़ा इस पर काम किया।